Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home and doing your studies of computer science. So this is your computer lesson, and in this lesson we will learn how to use a programming language that is BASIC. So as you can see, this is the interface of a programming language, BASIC. So Hadia, can you tell me what is the full form of BASIC and why we are using this language? What is the basic purpose of using this language? Why you are reading this language in your computer book of class 8? Right, so this is your programming language. So when you are in class 6 7 8 onwards, सो आपको एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, बिकॉज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर की जो कोर है, जो उसका सेंटर है, दैट इज़ योर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर में आपने जितना भी काम करना है, दैट ऑल वर्क इज़ रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा है इन द हायर स्टडी, देन ही शुड मस्ट अवेयर विद द यूज़ ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक. सो बेसिक हमारे पास जो लैंग्वेज है, दैट स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. राइट, सो वी यूज दिस बेसिक लैंग्वेज लाइक एट योर इनिशियल स्टेजेस. इफ़ यू आर इन क्लास 6 7 तो आपको स्पेशली क्लास जो 5 है, स्पेशली क्लास 8 की PTB की बुक में आपको एक यूनिट मिलेगा विद द नेम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. दैट इज़ योर यूनिट नंबर 5. And you will learn how to create our basic programs. You will also find the programs in your, class 9 PTB book. उसमें भी एक चैप्टर है programming से related, and you will also find उसमें भी basic programming language use की हुई है. So basically हम ये language इसलिए use करते हैं ताकि beginners level पे आपको पता चले कि programming करते किस तरह से हैं, जिसमें हम कुछ कमांड्स को स्टडी करते हैं. वी स्टडी सम अबाउट सम स्टेटमेंट्स एंड वी विल रन द प्रोग्राम. तो जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्लियरली पता चलता है कि हम किस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस लैंग्वेज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू गेट द आउटपुट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ कमांड्स और स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए, अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट रन, और वट एवर द आउटपुट यू विल गेट इट विल बी रॉन्ग, इट कैन बी रॉन्ग. सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको उसके सिंटैक्स का, उसके रूल्स का, उसकी बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, लाइक दिस इज़ नॉट लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपने कुछ भी टाइप कर दिया, आपने बोल्ड इटैलिक अप्लाई कर दिया, आप कोई और फीचर उसके ऊपर अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर देते हो. नो, सो इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको आप स्टडी करेंगे तो ही आप उस लैंग्वेज को कम्प्लीटली, उस पर ग्रिप आप ही हो सकती है. ठीक है, सो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ कर, कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं और कुछ हम उसके लिए यूज़ करते हैं कमांड्स. सो योर स्टेटमेंट्स कैन बी योर प्रिंट आउटपुट एंड योर इनपुट. ठीक है, ये 2 से 3 स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे कि डाटा को हमने प्रिंट किस तरह से करवाना है, प्रिंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट, आपके पास आउटपुट किस तरह से आएगी. और अगर आप इसमें कुछ कमांड्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको बॉटम पर यहाँ पर मिलेगी, लिस्ट, रन, लोड, सेव, एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर नोन एज योर कमांड्स. ये सारी आपकी कमांड्स हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं. सो कमांड्स बेसिकली होती क्या है? इब्राहिम, कैन यू टेल मी व्हाट आर कमांड्स? राइट, कमांड्स आर बेसिकली योर स्पेशल काइंड ऑफ कीवर्ड्स व्हिच यू यूज टू गेट इंस्ट्रक्शंस, व्हिच यू यूज टू गेट और गिव इंस्ट्रक्शंस टू योर कंप्यूटर टू परफॉर्म योर स्पेसिफिक टास्क. कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ कमांड्स आपको पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट टाइप था कंप्यूटर गेम्स. अभी देखें एरर दे रहा है, आई एम टाइपिंग, मैंने कुछ भी टाइप किया कंप्यूटर एंड गेम्स. फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी टाइप किया. नाउ हाउ टू क्लियर योर स्क्रीन. and how we can clear the screen. Can you tell me? Hadia, can you tell me how to clear the screen? Exactly, very right answer. You just have to use the command with the name of CLS. ठीक है, आपने CLS को टाइप करना है and CLS stands for clear screen. You have to type CLS and then at the end press enter. जैसे ही आप enter press करेंगे, as you can see your screen is cleared now and you can start writing your program. So इस तरह से बेसिकली आपके पास कुछ कमांड्स हैं, उसको हम साथ साथ स्टडी करेंगे जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ rectangle, like how to find the area of a rectangular region with the given length of width. हमने हमारे पास एक length given होगी, like जो user enter करेगा और वो साथ में enter करेगा width. ठीक है, length लंबाई और width उसकी चौड़ाई क्या, वो enter करेगा and then at the end he will be able to get the area of that region. कोई भी region आपके पास circle हो सकता है, it can be a triangle, it can be a rectangle. अब उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपके पास दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक आपके पास लेंथ है और एक आपके पास विड्थ है. फॉर एग्जांपल इस वक्त ये मेरी स्क्रीन है, तो आपके पास आपको इस लेंथ का पता होना चाहिए लेंथ कितनी है, और फिर उसके बाद ये जो विड्थ आ रही है ये विड्थ का इसका क्या साइज़ है. सो अगर आपको ये दो स्टेटमेंट्स, दो नंबर्स, दो वैल्यूज़ पता होंगी, सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू रन योर प्रोग्राम. सो फॉर दैट पर्पज़ फर्स्ट ऑफ ऑल I will type number 10. So why I have typed here 10? Minahil, can you tell me why I have typed here 10? Right, 10 basically आपके पास एक list command है. आपने जब भी इस programming GW basic programming language में काम करना है तो आपने हर line को एक number assign करना है, और आपका नंबर 1, 2, 3 भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेशली या इसमें यूज़ किया जाता है दैट शुड बी 10, 20, 30, 40, 50 इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू नो 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. सो यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप किया 10. नाउ आई विल राइट हेयर. अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड विड्थ. सो मेरे पास दो फंक्शंस होंगे, एक होगा लेंथ का. ठीक है, अच्छा इसको अब सिंपली मैं क्या कर देती हूँ, जीरो साइन कर देती हूँ. जीरो मैंने क्यों साइन किया, इब्राहिम कैन यू टेल मी? एल को मैंने जीरो साइन कर दिया है, और इसके अलावा मैंने क्या किया है, एल को सिंपली मैंने जीरो नंबर दे दिया, जीरो वैल्यू. फिर इसी तरह से मैंने असाइन कर दिया है डब्ल्यू. डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर योर विड्थ, एल स्टैंड्स फॉर योर लेंथ, इसको भी मैंने जीरो साइन कर दिया है. एंड देन एट द एंड आई विल राइट हेयर एरिया. ओके, सो आई विल राइट एरिया, और इसको भी मैं ज़ीरो साइन कर देती हूँ वैल्यू. सो वाई आई हैव असाइन टू ऑल वैल्यूज़ नंबर ज़ीरो, मैंने सब वैल्यूज़ को ज़ीरो क्यों साइन किया? और हम, कैन यू टेल मी? राइट, बेसिकली आपने ज़ीरो इसलिए साइन किया कि अगर आपने बेसिक इस लैंग्वेज में पहले से किसी प्रोग्राम पर काम किया है और उसमें आपने ये वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, एल, डब्ल्यू, एरिया फाइंड करने के लिए आपने अगर यूज़ किया हुआ है, सो सिंपली आप उनको ज़ीरो वैल्यू साइन कर दोगे. इससे क्या होगा कि पिछली जितनी भी स्टोर्ड वैल्यू हो जाएगी वो उसे ज़ीरो कंसीडर करेगा, और जो न्यू वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको फाइंड आउट करके वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. सो ज़ीरो अगर आप एंटर नहीं करते, सो इट कैन बी पॉसिबल कि वो क्या करे, प्रोग्राम पिछली स्टोर्ड वैल्यूज को उठा ले, और उस हिसाब से आपको एक रॉन्ग आंसर मिल सकता है. सो सिंपली यू हैव टू टाइप एल, डब्ल्यू, मैंने लेंथ और विड्थ को जीरो साइन कर दिया, और एरिया जो हमने फाइंड करना है उसको भी मैंने जीरो साइन कर दिया. ओके, सो नाउ आई विल राइट माय सेकंड स्टेटमेंट विद द नेम ऑफ इनपुट. अब मैंने वैल्यूज को तो नंबरिंग साइन कर दिया जीरो, अब मैंने इनपुट लेनी है यूजर से. मैं यूजर से कह रही हूँ कि वो एक इनपुट एंटर करे, और वो एंटर करे, पहले वो एंटर करे एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, वो यूज़र खुद एंटर करेगा. ओके, और उसको मैं स्टोर कर लेती हूँ. लेंथ के लिए मैं जो वेरिएबल यूज़ करूँगी, कौन सा वेरिएबल मुझे यूज़ करना चाहिए, माहम कैन यू which variable I should use to give the entire length in the rectangle? Right. आपने वेरिएबल इस तरह का चूज करना है जो कि उससे मिलता जुलता हो. ठीक है, अब मैं लेंथ कैलकुलेट कर रही हूँ. सो लेंथ के लिए अब डेफिनेटली मैं पी क्यू तो यूज करूंगी नहीं. ठीक है, सो जब भी आपने इस तरह से कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है आप उससे मिलते जुलते ही फंक्शन को चूज करेंगे, वेरिएबल को चूज करेंगे. ओके, सो अदरवाइज योर प्रोग्राम कैन बी यू नो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको काम किस तरह से करना है और ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा. सो जब भी आप काम कर रहे हैं मेक श्योर कि आप यू नो रेलिवेंट वेरिएबल्स को यूज़ करें. लाइक मैंने लेंथ फाइंड करनी है तो मैं वहाँ पर एल यूज़ कर लूँगी, और अगर मैंने एरिया कैलकुलेट करना है सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एरिया. सो इन दिस वे आप रेलिवेंट जो भी है आपके पास कमांड्स हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको यूज़ करें. Okay, so now we will see. I will type here simply L in capital letters, then I will press enter. Now I will press simply enter. Okay, so enter type करने के बाद next मैं simply क्या करूँगी, I will type my next line with the name of 30. अगर आप numbering type नहीं करेंगे so it will be difficult to find the correct you know arrangement for the program. सो नाउ मैंने अब एक इनपुट ले लिया यूज़र से जो कि जिसको मैंने स्टोर करवा लिया है एल में. सो नाउ आई विल आस्क फ्रॉम द यूज़र टू गिव मी योर सेकेंड इनपुट दैट इज़ योर विड्थ. सो विड्थ लेने के लिए अगेन विच स्टेटमेंट आई शुड यूज़, इनपुट. सो आई विल राइट इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमास एंटर लेंथ एंटर विड्थ राइट नाउ width of the rectangle, close the double inverted commas, and I will store it with the name of W. Okay, so now I will write my whole function or my you can say whole my formula. अब यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगी, अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी. मैंने सिंपली यूज़र से क्या किया है कि एक लेंथ ली है और एक उसे मैंने कैलकुलेट करवाया है, एक उसे मैंने इनपुट ली है विड्थ. यूज़र सिंपली एक लेंथ एंटर करेगा और एक विड्थ एंटर करेगा. अब मैंने बताना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ कि मेरे पास जो है वो करेक्ट रिजल्ट आ जाए. सो टू गेट द करेक्ट रिजल्ट विच आई शुड यूज़, राइट. आई विल यूज़ राइट हेयर 40 और यहाँ पर मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी. सिंपल फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का किसी भी रीजन का, इफ़ यू हैव लेंथ एंड इफ़ यू हैव विड्थ. सो व्हाट यू विल यूज़, यू विल राइट एरिया एंड नाउ आई विल सिंपली मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ को मैंने विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया एंड दिस इज़ द फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज़ वेरी ईजी. आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा हाउ टू find out the area of any rectangular or any region. It can be your circle, it can be your rectangle, it can be your triangle. Okay, so simply I will use the formula area is equal to L multiplied by W, that is your length into your width. So now I will simply press enter. So now here I will write how to get the output. पहले आपने इनपुट देनी है, अपना फॉर्मूला बताना है. इनपुट मैंने दी, मैंने इनपुट का कीवर्ड यूज़ कर लिया. फॉर्मूला बताना है, मैं कह रही हूँ फॉर्मूला को एरिया में स्टोर करवा दो. उसके बाद मैंने प्रिंट लेना है, रिजल्ट लेना है. मैं कह रही हूँ प्रिंट एरिया, एरिया को प्रिंट करवा दो और उसको स्टोर करवा दो डबल क्लोज द डबल इनवर्टेड कॉमास और उसको स्टोर करवा दो एरिया में. ओके, सो सिंपली यूज़र क्या करेगा, टू वैल्यूज़ एंटर करेगा. वन विल बी योर लेंथ, द अदर विल बी योर विड्थ. सो जैसे ही वो वैल्यूज़ एंटर करेगा ही विल प्रेस एंटर. सो नाउ व्हाट आई शुड डू टू रन माय फॉर्मूला, टू रन माय प्रोग्राम. अपने प्रोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए, रन करने के लिए सिंपली मैं क्या यूज़ करूँगी, यहाँ पे आई विल राइट रन. ठीक है, रन को लिस्ट में लिखने की या टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. रन बेसिकली आपके पास एक कमांड है और कमांड को लिस्ट में सीक्वेंस में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. आप यहाँ पर लिस्ट में उन चीज़ों को टाइप करेंगे जो स्टेटमेंट्स या जो वैल्यूज आप उनको असाइन करें, ठीक है। सो रन इज योर फिक्स्ड कमांड, सो यू डोंट नीड टू राइट इन सीक्वेंस। आप so now simply when I want to calculate or find the area, what I will do, I will write a command over here with the name of run run, and simply run type kiya. So as you can see, they are asking from me to enter your length of the rectangle. आपके पास जो भी rectangle है, जो भी region है, for example जो भी चीज़ है, जो भी material है, उसकी आपने length enter करनी है. And for example I will type 3. I will press enter. So now they are saying to me enter width of the rectangle. अब आपके पास जो आपकी rectangle है उसकी width enter करें. So I will type, let's suppose I will type here 5. So now when I will press enter, so now they are saying your area is 15. So यहाँ पर area को वो 2 times print करवा रहा है because मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं. फर्स्ट में मुझे एरिया देगा, आप इसमें से चाहें तो किसी एक को रेस कर दें, आप प्रिंट स्टेटमेंट को रेस कर दें, वो आपको ऑटोमेटिकली एरिया को कैलकुलेट करेगा और रिजल्ट दे देगा. एल और डब्ल्यू को, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दे विल गिव यू द आंसर. सो इन दिस वे यू कैन चेंज और यू कैन फाइंड द लेंथ, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ योर गिवन लेंथ एंड योर विड्थ. सो आपके पास किसी भी चीज़ की एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसकी लेंथ होनी चाहिए और उसके साथ उसकी विड्थ होनी चाहिए. सो अगर ये दोनों एलिमेंट्स होंगे तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं विड्थ को, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. और सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है, योर फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. वट यू हैव टू डू, मिनाहिल कैन यू टेल मी, माहम, राइट, यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ एरिया इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W. आपने L को मल्टीप्लाई कर देना है W के साथ और आप सिंपली एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. सो दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क अब इफ़ यू वांट टू वर्क इन द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो सिंपली यू शुड नो सम ऑफ योर कमांड्स एंड सम ऑफ योर स्टेटमेंट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जैसे कि रन, लिस्ट, लोड और इफ़ यू वांट टू सेव योर फाइल. ये बेसिक कमांड्स हैं, इस लेवल पर आपको इन कमांड्स का पता होना चाहिए कि हमने इन कमांड्स को किस तरह से यूज़ करना है. और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स हैं लाइक प्रिंट, आउटपुट, इनपुट. सो दीज आर द स्टेटमेंट्स विच यू कैन यूज़ इन योर प्रोग्राम. So this is compulsory and mandatory to use the proper syntax. अगर आप syntax follow नहीं करेंगे तो आपके पास जो value होगी, जो आपके पास result होगा, that can be wrong. For example, as you can see here, मैंने यहाँ पर लिखा है enter list length of the rectangle और उसको मैंने store करवा दिया L में. So अगर आप यहाँ पर double inverted commas type नहीं करेंगे, so आपको हो सकता है वो यहाँ पर result में, आउटपुट में एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल शो ना करें. सो दिस इज मैंडेटरी टू राइट और टू टाइप द लेंथ एंड विड्थ इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास. इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ यू वांट टू गेट द सेम आउटपुट एज यू हैव टाइप्ड इज टाइप्ड इन द इनपुट, जो भी आपने आउटपुट लेनी है जैसे ही आपने इनपुट में टाइप दी है तो आप सिंपली उसकी जो है उसको सिंपली डबल इन्वर्टेड कॉमास में टाइप करेंगे, अदरवाइज योर प्रोग्राम विल नॉट बी रन. एंड यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स. सो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं. एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी दैन यू कैन आस्क मी. सिंपली आपने इस टाइप की प्रैक्टिस करनी है. द फॉर्मूला इज़ वेरी ईजी, इवन दिस इज़ फेमिलियर, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 और 5 दे आर फेमिलियर विद द फॉर्मूला ऑफ एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया. तो आपने सिंपली इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको याद रखना है कि हमने किस तरह से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट किस तरह से कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट और बिग टास्क. ओके, सो आफ्टर दैट, अच्छा यहाँ पर आप चाहें तो अपने वेरिएबल्स को फॉर एग्जांपल एल और डब्ल्यू को 0 भी असाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको सिंपली ज़ीरो साइन ना करें तो भी आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। सो सिंपली व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन GW बेसिक, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ें, दिस इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। और जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, इट्स ओन सिंटेक्स। अगर आप उसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे सो इट कैन बी पॉसिबल कि वो आपको एरर देगा। सो दिस इज़ कंपल्सरी फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रीड और राइट द प्रॉपर सिंटेक्स। कमांड्स कौन कौन सी है जो कि हमने स्टडी की हैं? लिस्ट, रन, लोड एंड सेव। और इसके साथ ही आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं दैट इज़ योर प्रिंट और इनपुट। ये मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो स्टेटमेंट्स हैं। प्रिंट इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं, यूज़र से कोई वैल्यू एंटर करवाना चाह रहे हैं कि यूज़र ये नंबर एंटर करे और उसको आउटपुट में ये रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे इस प्रोग्राम में यूज़र ने लेंथ और विड्थ को एंटर किया है और उसके रिजल्ट में एरिया मिल गया। सो प्रिंट इसलिए यूज़ करते हैं कि यूज़र को आउटपुट में रिजल्ट देने के लिए, कि जैसे यूज़र ने 2 नंबर टाइप किए हैं सो जो उसको रिजल्ट है वो फॉर्मूले के बाद ये डिस्प्ले कर दें, प्रिंट एरिया, कि ये आंसर में आ जाए, एरिया इज इक्वल टू 5 या जो भी आपका आंसर है। सो इन दिस वे वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड वी कैन रन द प्रोग्राम। सिंपली जस्ट हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग एरिया बाय यूजिंग डिफरेंट एग्जाम्पल। लाइक आपने 2 वैल्यूज एंटर करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन गूगल क्लासरूम और इन व्हाट्सएप।